सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से देख लेना, आप भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज़ मिलता रहेगा। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, HD इमेजेस मिल जाएगा और फॉन्ट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और कुछ भी अपडेट होता है मैं टेलीग्राम पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, सभी मेटल को डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो देख लेना, देख के आप डाउनलोड कर सकते हो XML वगैरह, अदर फाइल्स वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही XML मिलेगा, सिंपल से इसको एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद एलाइट मोशन को ओपन करना है, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, आपको जो XML है सिंपल से XML पे क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, जो सॉन्ग है ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। एक वीडियो होगा, सिंपल से उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड करना है। वीडियो को सिलेक्ट करके आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देगा, 3 डॉट पे क्लिक करके साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देना, कर देने के बाद आपको यहाँ पे 3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डबल लेयर और सिंगल लेयर देखने को मिलेगा। तो कैसे क्या करना है सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो 3 है आपको 3 नंबर वाला ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल लोगो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है। तो यहाँ पे आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है, सिंपल से तो मेरा चैनल का लोगो यहाँ पे ऐड करके रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, कलर फील्ड पे जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपका लोगो है आपको सिंपल से क्या करना है, सिलेक्ट करके ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको जो ग्रुप वन है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है। जाने के बाद जो इमेज का लेयर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट ग्रुप पे जाना है, इमेज का लेयर पे इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके पे क्लिक करना है, कलर फील्ड में आना, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इमेज को इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके। उसके बाद फिर से आपको ऐसे बैक आना है। अभी जो ग्रुप 2 है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है। जाने के बाद सेम जो इमेज है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फील्ड में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बैक आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना, इमेज को एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आ जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बैग आ जाना है। तो आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है। तो कभी कभी क्या होता है, जो XML पे ग्रुप आगे पीछे हो जाता है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, ग्रुप का आपको तीनों को इस तरीके से एक साथ एडजस्ट करके रखना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, डबल लेयर दिखाई दे रहा है, डबल लेयर पे आपको सेम इमेजेस ऐड करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे नीचे आना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड फोटो, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इमेज आप बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है, ताकि इस तरीके से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे जो इफेक्ट है वो आप देख सकते हो, बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिट मार्क पे जाना है, आपको यहाँ पे 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं, दोनों लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फील्ड में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम फोटो सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फील्ड में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर से डबल लेयर है, फिर से डबल लेयर पे आपको यहाँ पे सेम इमेजेस को ऐड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी कर लेना है, ठीक है। दोनों लेयर पे आपको बस यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी यहाँ पे कर लेना है, ठीक है,
इस तरह से आप देख सकते हो, सिंगल लेयर है, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट करना, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको क्या करना है, जितना भी लेयर्स है सभी लेयर्स पे आपको बस यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। जो डबल लेयर है सिर्फ आपको डबल लेयर पे सेम इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, और सिंगल लेयर पे आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे डबल लेयर और सिंगल लेयर, आपको क्या करना है सभी जो लेयर पे बस आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर देना है, जो आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर जो सीसी है ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा है, और ग्रुप को अच्छे से पूरा तीनों को एक साथ यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन चेक अच्छे से करना, सब कुछ मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।